मेरा सवाल है कि मजदूरों के हालात को लेकर के बात अब देश और दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। वाकई मजदूर बहुत बुरे हाल में हैं और बुरे हाल का सामना करते हुए वो हाईवे पे चलते हुए अपने घरों तक कहीं पहुँचे हैं, कहीं पहुँच रहे हैं। श्रमिक स्पेशल भी चलाई गई, देर से चलाई गई, लेकिन एक सवाल उठकर खड़ा हो रहा है कि वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, सरकार नामक संस्था पर से मजदूरों का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम भरोसा देने के बावजूद भी मजदूर अपने गांव और अपने घर जाना चाहते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हम भले मर जाएंगे लेकिन अपनी मिट्टी में मरना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सामने मरना चाहते हैं, अपने गांव वालों के साथ रहना चाहते हैं, घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं उनका मन और दिल टूटने की तरफ इशारा करती है बात? उपेंद्र जी, सवाल का सही जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले मैं आपकी बात को रख दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें राज्य की रही हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को लाने का काम किया, उसकी बड़ी आलोचना भी लोगों ने कर दी, कांग्रेस ने भी कर दिया था, मध्य प्रदेश ने किया, अन्य प्रदेशों ने भी किया। बाद में नीतीश कुमार जी ने इसका प्रपोजल दिया कि ट्रेनों से भेजा जाए और इस लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाते निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोग सोच रहे थे कैसे किया जाए, भेजा जाए कि ना भेजा जाए, लेकिन सब निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर निर्णय लिया गया कि भाई नहीं चलाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने किया, गृह मंत्री जी ने उसको तय किया और तय करने के बाद रेल मंत्री से बात हुई पीयूषी से और रेलें चली और लेकर के गई, लगभग 4 लाख मजदूर जो है रेलों से अभी तक अपने अपने स्थान पर पहुंचे। ठीक है, राजनीतिक दल होने के नाते कूटनीतिक प्रयत्न भी करना चाहिए जो अलका जी अभी कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं अगर उन्होंने ये देखा होता तो सबसे पहले मजदूरों से पैसा लेने की बात आई तो महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस समर्थित है शिवसेना की, तो उस पर देखना चाहिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से यह नहीं आया कि पैसा लिया गया। कर्नाटका में एक जगह विषय उठे, अलका जी मैं बता रहा हूं, उठा तुरंत उसको ये किया गया। बाद में नीतीश जी ने भी कहा कि हम पेमेंट कर रहे हैं, हम अपने आज चले आए मजदूरों को वो भी देंगे, 500 रुपया अतिरिक्त भी देंगे। ये सही है कि आज भी सड़क पर जो है, जिस बात को आपने कहा कि मजदूर अपने मिट्टी में मरना कह रहा है कि हम जाके मिट्टी में मरेंगे, सही है कि सड़क पर भी मजदूर जा रहा है। परिस्थिति ऐसी है कि उस मजदूर को रोकने के बावजूद अगर नहीं रोका गया तो उस पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जगह जगह उनको शेल्टर दिया जा रहा है, जगह जगह उनको भोजन दिया जा रहा है, रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। जितने रुक जा रहे हैं उसको जरूर रोक रहे हैं, जो नहीं रुके हुए वो चल भी रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये जो है बिल्कुल है। मजदूरों की स्थिति सबसे खराब थी, तभी यह निर्णय लिया गया कि नहीं अब मजदूरों को उनको भेजना चाहिए। अभी फिर 16 तारीख से श्रमिक ट्रेन भेजी जा रही है और श्रमिक ट्रेन में लोगों को भेजने का काम ये कर रहा है हर प्रदेश। इधर तो जो है बिहार ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी, महाराष्ट्र ने भी, सभी मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा कि भाई जो लोग अभी नहीं गए हैं वो रुके, क्योंकि अब उद्योग भी चलने वाले हैं तो उस उद्योग की स्थिति में उनको नौकरी भी मिलेगी। कल ही के इंटरव्यू में जी आपको पता लगा होगा कि पटना स्टेशन से कुछ लोग दिल्ली के लिए चले मजदूर, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं आप काम करने के लिए जा रहा हूं, तलाश करने के लिए जा रहा हूं। तो दोनों बातें हो रही कि मजदूर परेशानी में है तो उस पर, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है। सर माफी चाहता हूं, आपकी बात सीधे सीधे मैं काट रहा हूं। अभी वापस लौटने वालों की संख्या अगर कह सकता हूं कि 1% है तो जाने वालों की संख्या 99% है। अलका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, अलका जी बताएं।
नहीं वही मैं कह रही हूँ, देखिए शुक्ला जी ने कहा जगह जगह पर उनके खाने की, उनकी स्वास्थ्य मेडिकल के कैंप लगाकर उनको मदद, उनके ठहरने के लिए शिविर, कोरा झूठ है। हमने कहीं लाखों मिलों, लाखों मजदूरों को मिलों पैदल चलते हुए औरंगाबाद में, तो महाराष्ट्र में ट्रेन के नीचे आपके 17 लोगों को जान गई, सड़क पे मजदूर जा रहे थे, पिता जो है उसके हादसे में साइकिल पे चले गए और बच्चे दोनों अनाथ हो गए। कहीं हमने कोई शिविर नहीं देखा, जहाँ जब निकलते शिविर लगते, खाना पीना स्वास्थ्य मेडिकल सुविधा, कुल मिलाकर उस मजदूर भारत सरकार पूरी तौर पर उन मजदूरों को उनके घर पर राज्यों के माध्यम से पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। पांच पांच बार करोड़ आज लाखों मजदूर सड़कों पर हैं और आप ये कह रही है उद्योग खुले, आज का आंकड़ा 75,000 पार कर चुका है, आज कोरोना वायरस के 75,000 है। एड्स के डायरेक्टर ने कहा है अभी मई और जून में तो पीक आना बाकी है, आप उम्मीद मत करिए। ये जो आपने कुटीर लघु छोटे उद्योगों को जो काय कर्ज ले लीजिए बैंक से जाकर, अलका जी देखिए अब तो एन नारायण मूर्ति इंफोसिस चेयरमैन ने कहा था कि भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे कोरोना से मरने के बजाय, और 90 लाख लोग इस देश में अलग अलग बीमारियों से मर जाते हैं। तो ये एक चीज निकल के आई है, सब इस बात से सहमत है कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती रही है कि कुछ सौ का आंकड़ा था तो आपने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, और जब 75,000 का आंकड़ा है तो आप लॉकडाउन खोल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कॉन्ट्रेरी ये भी बात देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से लोग दम तोड़ देंगे भूख से, वो ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक होगा। शिव प्रताप शुक्ल जी के पास आ रहा हूं, सर बहुत संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हम अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण में अब पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे लिए जल महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ ये कहा कि जान है तो जहान है, इस नाते जन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस जन के किसी भी स्थिति में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अभी जो 20 लाख करोड़ की बात आई है जीडीपी का 10% वह इसी के लिए है कि इंडस्ट्री भी उठे, मजदूर के लिए भी हो, लोग विकास भी हो, लेकिन साथ साथ हम भूखे न रहे, इसका भी प्रबंध किया जाए। मैं समझता हूं कि यही उपयुक्तता जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उन्होंने हर सेक्टर को छूते हुए, जैसे जिंदल जी ने बताया ना, हर सेक्टर को छूते हुए सही समय पर सही निर्णय लेते हुए इसको फोकस करते हुए जो है दिया है, और मजदूर हित जनहित सब देखा है।